मणिपुर शहर से नारायण धाम तक वृक्षारोपण करके कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसको लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं वन मंत्री से चर्चा कर राशि स्वीकृत करवाई जाएगी। यह बात प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान ने गंगवाड़ी क्षेत्र में पौधारोपण समारोह के दौरान संबोधित करते हुए कहे। समारोह में सभी जनप्रतिनिधियों ने गंगवाड़ी क्षेत्र में पौधारोपण के साथ ही पौधों को संरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड भी लगवाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंद्रशेखर सोनिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार 5 जून से 16 जून तक नमामि गंगे अभियान के तहत पौधारोपण एवं विभिन्न स्थानों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में गंगावाड़ी मेला क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा करीब 5,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही शहर के विभिन्न जल स्त्रोतों की सफाई भी की जाएगी। समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नारायणा से विशेष लगाव रहा है। ऐसे में महितपुर नाके से चिंतामण कढ़ाई गेट लाकाहेड़ी मऊ होते हुए नारायण धाम तक कॉरिडोर बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी संबंध में प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। इस दौरान ओम प्रकाश माली, राजा राम कहार, अनिल आंचलिया, आशा राठौर, नेहा पीयूष सकलेचा, कैलाश राठी, निर्भय सिंह भाटी, राजेश सोनगरा कालरा, उषा जोशी, कौशल मल्होत्रा, देवेंद्र उद्धव, शरद परमार, प्रहलाद दास बैरागी, फकीर चंद मालवी, अर्जुन शर्मा, भरत राठौर, शेलू चावड़ा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर लक्ष्मी नारायण साहू ने किया। ये आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इसको जो बजट 24-25 का जो आ रहा है उसमें इस रोड को 4 लेन में कैसा जोड़ा जावे, इसके लिए बहुत जल्दी में भोपाल जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय लेकर पत्र देके इस पर कार्रवाई मैं प्रारंभ करवाने वाला हूँ। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पे सबने अपने अपना उद्बोधन दिया है, उसको और आप सबने सुना है। उन सबका मैं समर्थन करते हुए मैं अति संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस में हम सब लोगों ने आज वृक्षारोपण तो किया है, लेकिन आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है मेरा और पूरे परिसर का जो संकल्प होना चाहिए कि चूँकि हमारा नारायणा धाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है और 2028 में सिंहत मत से तो इसका सर्वांगीण विकास तो होने जा ही रहा है, डोंगला कर्क रेखा का भी होना जा रहा है। मैंने और परिषद से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भेंट करके, वन मंत्री से भेंट करके हम मैथपुर से हमारा जो कड़े का रोड का जो चिंतामण का गेट वहाँ तक, लाखाखेड़ी, मऊ और नारायणा धाम तक तो दोनों तरफ वृक्षारोपण करवा कर इसमें इस रोड को 4 लेन बनवाकर एक ऐसा कॉरिडोर के रूप में हम इसका विकास करें, ये हमारा उद्देश्य है। ये शासन निर्देशानुसार नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ था, जैसे हमको निर्देश मिले थे 5 तारीख से 15 तारीख तक हमको जल संवर्धन और पौधारोपण का कार्य किया जाना है। इसमें हमने पर डे की हमने कार्य योजना बनाई है, आज हमने शुभारंभ किया है। आज हमने कुछ 100 पौधे लगाए हैं गंगवाड़ी परिसर में या सिपरा किनारे, जिसमें हमारा वाटर बॉक्स है, हमने 100 पौधे 6 से 7 फीट के लगाए। ये निरंतर जारी कार्यक्रम है जिसका समापन 16 तारीख को होगा गंगा दशमी के दिन, जिसमें भव्य आयोजन किया जाएगा। इस पूरे अभियान में हमने जितनी बावड़ी है यहाँ पे नगर की, कुएं हैं और जो जल संरचना है जिसमें अतिक्रमण है या गाद निकालना है या वृक्षारोपण करना है, इस टाइप का हमने पार्टी का हमने कार्यक्रम किया।